सुपरस्टार रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 में कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में हुआ था। रजनीकांत मराठी पृष्ठभूमि वाले परिवार से हैं। रजनीकांत की माता एक गृहिणी थी, उनका नाम रामबाई था और पिता रामोजी राव गायकवाड़ एक पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे। जब वो 5 वर्ष के थे तभी उनकी माँ का निधन हो गया था। रजनीकांत मराठी थे जिनमें महान वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी का नाम बहुत आदर से लिया जाता है, इसलिए रजनीकांत का नाम मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर शिवाजी राव गायकवाड़ रखा गया था। रजनीकांत अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। रजनीकांत के 2 बड़े भाइयों का नाम श्री सत्यनारायण राव और श्री नागेश्वर राव है और बहन का नाम अश्वत बालू भाई है। रजनीकांत की आरंभिक शिक्षा गविपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडर्न प्राइमरी स्कूल में हुई। रजनीकांत पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और साथ ही उनकी बचपन से ही अध्यात्म में काफी रुचि थी, इसलिए उनकी शेष शिक्षा रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित विवेकानंद बालक संघ रामकृष्ण मठ में हुई। रामकृष्ण मठ में होने वाली अधिकतर सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो भाग लिया करते थे। रजनीकांत ने यहाँ के बाद की शिक्षा आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। रजनीकांत ने अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद बेंगलोर और चेन्नई में अनेक नौकरी की, जिसमें एक बार एक कारपेंटर की नौकरी की थी। इस नौकरी के बाद उन्होंने कूली का काम किया। जैसे ही बेंगलोर ट्रांसपोर्ट नौकरी में कंडक्टर की भर्ती निकली, जिसमें रजनीकांत को सफलता प्राप्त हुई और बस कंडक्टर बन गए। रजनीकांत की इच्छा थी कि वे एक कलाकार बने, लेकिन उनके परिवार के लोग इस बात का विरोध करते थे, इसलिए बस कंडक्टर की नौकरी के समय भी उनके अंदर अभिनय और कला कहीं न कहीं जीवित था और इसी कारण वो एक अलग शैली में बस में सिटी बजाते थे, यात्रियों से बात करते थे, उनके टिकट काटते थे और उनकी ये शैली सभी यात्रियों को आकर्षित करती थी। समय मिलने पर वे नाटक व स्टेज शो में भी भाग लेते रहते थे। उन्होंने एक कन्नड़ नाटक टोपी मुन्नेपा किया और अनेक स्टेज शो किए। इसी कारण से उन्हें अनेक और नाटकों में भी काम करने का अवसर मिला। रजनीकांत फिल्मों में अभिनय करना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने वर्ष 1973 में मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट एक्टिंग में डिप्लोमा में प्रवेश लिया। यह एक नाटक को करते समय एक बार रजनीकांत पर फिल्म निर्देशक के बालाचंदर की नजर पड़ गई। रजनीकांत के अभिनय को देखकर बालाचंदर जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रजनीकांत को अपनी एक तमिल फिल्म में अभिनय करने के लिए कहा। रजनीकांत ने हाँ कर दी। इस फिल्म का नाम था पुरवा रंगाल। ये रजनीकांत की पहली फिल्म बनी। इस फिल्म में रजनीकांत का रोल अवश्य छोटा था, लेकिन इस फिल्म में उनके द्वारा किए गए अभिनय की सबने प्रशंसा की और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस फिल्म में उनके साथ कमल हासन और श्री विद्या थी। वर्ष 1975 से 1977 के बीच उन्होंने अधिकतर फिल्मों में कमल हासन के साथ विलन की भूमिका ही की। लीड रोल में उनकी पहली तमिल फिल्म 1978 में भैरवी आई। यह फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और रजनीकांत स्टार बन गए। फिल्म निर्देशक बालाचंदर ने इस फिल्म में उनको श्री विद्या के पति का छोटा सा रोल दिया था और कमल हासन इस फिल्म में मुख्य अभिनेता थे। इस फिल्म को 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपने फिल्म करियर के आरंभ में रजनीकांत ने अनेक फिल्म कमल हासन के साथ की थी, जिसमें से लगभग सभी फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में कमल हासन और रजनीकांत ने नेगेटिव रोल किया था। उन्होंने फिल्मों में पहले नकारात्मक चरित्र और विलेन की भूमिका की, इसके साथ ही साइड रोल किए और अंततः एक स्टार अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। एक समय ऐसा भी था जब एक उत्कृष्ट अभिनेता होने के बाद भी उनके काम पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन वो साहसी थे। रजनीकांत अपने आत्मविश्वास से विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने वाले व्यक्ति थे। साउथ इंडियन सिनेमा में वर्ष 1980 तक रजनीकांत एक प्रसिद्ध अभिनेता बन गए थे। रजनीकांत ने कॉलेज पत्रिका के लिए उनका इंटरव्यू लेने आई एक लड़की लता रंगाचारी से विवाह किया था। लता रंगाचारी इतिराज कॉलेज की स्टूडेंट थी। उन्होंने कॉलेज मैगजीन के लिए रजनीकांत का इंटरव्यू लिया था। एक ही बार में रजनीकांत को लता बहुत पसंद आई थी। लता को देखते ही रजनीकांत ने लता को प्रपोज कर दिया था। रजनीकांत ने बाद में 26 फरवरी 1981 को तिरुपति मंदिर में उनके साथ विवाह कर लिया। रजनीकांत और लता रंगाचारी के परिवार में उनकी 2 पुत्रियां ऐश्वर्या और सौंदर्या हैं। रजनीकांत की पत्नी दी आश्रम नाम से एक स्कूल चलाती हैं। रजनीकांत की पुत्री ऐश्वर्या का विवाह 18 नवंबर 2004 को
अभिनेता धनुष के साथ हुआ और तमिल फिल्म जगत के प्रोड्यूसर एवं डायरेक्टर और ग्राफिक्स डिजाइनर छोटी पुत्री सौंदर्या का विवाह 3 सितंबर 2010 को बिजनेसमैन इश्विन राम कुमार से हुआ है। रजनीकांत ने लगभग 190 फिल्मों में काम किया है, जिनमें कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश एवं बंगाली फिल्में हैं। इन फिल्मों के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सूत्रों के अनुसार रजनीकांत लगभग 365 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के स्वामी हैं। रजनीकांत फिल्म में अभिनय करने के लिए अच्छी फीस लेते हैं और उनकी फिल्म इतना अधिक लाभ देती है कि फिल्मों की फीस से ही रजनीकांत एक वर्ष में लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए कमाते हैं। कभी कारपेंटर का काम करने वाले रजनीकांत आज राजसी जीवन जीते हैं। रजनीकांत के पास 365 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। इसके साथ ही रजनीकांत ने देश के अनेक स्थानों में प्रॉपर्टीज में निवेश करा हुआ है। रजनीकांत ने 100 करोड़ रुपए से अधिक के करंट एसेट्स में निवेश किया है। रजनीकांत को भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण भी मिला है, जो उनको भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया गया था। रजनीकांत का चेन्नई में भव्य घर है, जिसे 2002 में बनाया गया था। इस घर की सुंदरता देखने लायक है। उन्होंने कई जगह निवेश भी किया हुआ है। रजनीकांत महंगी और लग्जरी गाड़ियों को रखना पसंद करते हैं। उनके पास रेंज रोवर, बेंटली, टोयोटा इनोवा जैसी अनेक महंगी कारें हैं। रजनीकांत का मानना है कि उम्र मात्र एक संख्या है और यदि व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो उम्र का कोई महत्व नहीं है। आपको कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। बिना मेहनत के आपको जो मिलेगा वह कभी भी फलदायक नहीं होगा। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इसे अपने जानने वालों में शेयर करें। धन्यवाद।